जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के निर्देशन में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के लिए नगर निगम, पुलिस, GDA, लोक निर्माण विभाग एवं NHI की टीम बनाकर सर्वे कराने तथा स्कूल बसों पर सकुशल चालक की तैनाती सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा की गई। ADM ने स्कूलों में यातायात के संबंध में नोडल टीचर बनाने पर भी बल दिया। बैठक में विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ओवरलोडिंग सहित मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने आदि की समस्याओं को भी समिति के सम्मुख रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने की अपील की। बैठक में SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, ARTO DD मिश्रा सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और दूसरी चीज, जो भी सड़कें हमारी है तो सौजन्य से यहाँ से झांसी तक आपका नेटवर्किंग है। जो गाड़ी 25 टन 30 टन पासिंग की है वो 70 टन रोड ले चल के साथ जाएगी। अब आगे आप निर्णय पे है कि आप बच्चों के लिए पाप कमाएंगे कि पैसा कमाएंगे। और रोड का सर मेंटेनेंस भी 10 साल उनका है, जो ट्रांसपोर्टर वो कॉन्ट्रेक्टर हैं और सब जगह टूट गए, उनको आप लोग कहें कम से कम मेंटेनेंस तो करें। जो गड्ढे हो गए रोड पे काले सर, PWD सड़क बना रही है, NHI बना रही है और हफ्ते भर में एक बार इसके बाद उसको हम तोड़ के सही कर देते हैं, उसके तीसरे दिन से वो सड़क टूटना शुरू हो जाती है, उसके जिम्मेदार हमारे जाते हैं। जैसे समझ लीजिए आप लोग जो है प्रशासन है, हम लोग प्रतिद्वंदी है इधर वाली लाइन में। हाँ यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों और सरकारी वाहनों में रेट्रोड चिप न लगाने वाले वाहनों पर कार्य के बाद में चलान बंद की कार्रवाई भी की गई। कितने चलान नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है, स्कूल बसों पर बस चालक लाइसेंस एवं पांच पर काम में रखने वाले कुशल चालकों को रखने की योजना है। इसमें सभी समीक्षा करती है कि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला प्रशिक्षण करें यह सुनिश्चित कराएं कि सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों प्रमुखों द्वारा इसके वाहनों पर कुशल चालक ही रखें जिसके पास कम से कम 5 पर पुराना बस चालक लाइसेंस और निर्धारित वर्दी है। इसमें किसी प्रकार की चिंता न बरती जाए जिस कारण स्कूलों में एक नोडल टीचर भी नामित करा दिया जाए। और स्कूल में सिटिंग क्षमता से अधिक बच्चों को न मिलता है, कभी कभी देखना मिलता है कि बच्चे एक बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चे बैठे हुए पाए जाते हैं।